Hello student, let's see this question. The number of integral value of k for which the equation 7 cos x plus 5 sin x equal to 2k plus 1 has a solution is. बच्चों अपन को यहाँ पे जो है ना नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू बताने हैं के के, जिससे जो है ना इसका एक मतलब सॉल्यूशन आ जाए, ठीक है ना। तो अपन को सारे वैल्यू के फाइंड करने हैं टीचर, जिससे ये क्वेश्चन उसके बराबर आ जाए। तो अपन क्या करते हैं, पहले इसका अगर अपन रेंज निकाले तो इसका रेंज अपन को पता है 7 cos x प्लस 5 sin x दे रखा है। अपन को a cos x प्लस b sin x का रेंज जो होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेस देन इक्वल टू होता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे हम इस इक्वेशन में सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यहाँ पे देखें तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का रूट अंडर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 5 का स्क्वायर 25, 7 cos x प्लस का 5 sin x लेस देन इक्वल टू 49 प्लस का 25। देखें तो ये आ रहा है माइनस का अंडर 74 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 cos x का 5 sin x लेस देन इक्वल टू 70। अब जो है इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू 2k प्लस 1 दे रखी है। तो ये 2k प्लस 1 अपना इसका जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाले तो ये आ रहा है लेस देन इक्वल टू 6 और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 8.6। यहाँ से इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो वो दोनों साइड भेज देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 9.6 टू के और लेस देन इक्वल टू ये 1 इधर जाएगा तो 7.6 बच। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4.8 इसका ग्रेटर देन के और लेस देन यहाँ पे आ जाएगा 3.। अपना के का जो रेंज आ गया, के का रेंज अपना 6.8 से माइनस 4.8 के बीच में आ गया। तो इसके बीच में जितने भी इंटीजर होंगे वो के का जो है ना सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे देखें तो इंटीजर वैल्यू क्या क्या आ रहा है, 4 माइनस का 4 आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पे के का वैल्यू ये सारे इंटीजर कर डालेंगे तो अपना जो है ना एक सॉल्यूशन आएगा। इसे काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ वैल्यू होंगे के, आठ वैल्यू होंगे के, जिससे जो है ना इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आएगा। तो अपना यहाँ पे तो बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में